खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश रायबरेली, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले में लखनऊ पुलिस निरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने आकर पुलिस लाइन रायबरेली में त्रिकोणी पंचायत चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में कैसे पोलिंग बूथ पर शांति बनाए रखना है एवं कोरोना के चलते दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का भी पालन करना, और वहीं पर नगर कोतवाली एवं कई थानों का अचूक निरीक्षण भी किया और वहीं पर पंचायत चुनाव को लेकर बड़े दिशा निर्देश जारी किए। ये आप देखने सम्राट दर्पण उत्तर प्रदेश रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत चुनावों में शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निरोधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा करके उसमें गति लाने के लिए निर्देशित किया गया है। स्पूरियस लेकर अवैध इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ द लेकर उस पर कतिपय दिनों में पिछले दिनों में कार्य हुआ है। आगे भी इस मोमेंटम को जारी रखते हुए उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। जिला बदर होने वालों में गुंडा एक्ट के तहत चालानी रिपोर्ट भेजने, ऐसे अराजक अवांछनीय तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजने और जिला बदर कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जो आपकी अवैध बरामदगियों की है समीक्षा की गई है, जिसमें भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करके और ऐसे अराजक तत्व जो कि चुनाव का माहौल खराब करने की नीयत से अवैध शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हैं उनकी भी रोकथाम करना, उनको पकड़ने के निर्देशित किए गए। हमारे यहाँ पंचायत चुनावों में सभी जिलों में 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक व्यवस्था रहेगी जिसमें जनपदीय बॉर्डर पर बैरियर चेकिंग रहेगी ताकि बाहर से कोई तत्व आगे चुनाव में विघ्न बाधा उत्पन्न न करे। इसके अलावा चूंकि पूरे जनपद में एक ही दिन में पोलिंग होगी, इसलिए जोनल मजिस्ट्रेटों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों में जहाँ पर दूर के इलाके हैं, मतदान केंद्र जहाँ दूर के हैं और सेक्टर मोबाइलों को पहुँचने में समय लग सकता है, ऐसे संवेदनशील इलाकों में स्ट्राइकिंग रिजर्व रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की दी हुई दिशा निर्देश के तहत फोर्स की तैनाती की जा रही है। हमारे सोशल मीडिया सेल रेंज स्तर के और जनपदों के सेल में सभी तैनात पुलिस कर्मियों की एक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग करा दी गई है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी करेंगे। ऐसे फ़ोन नंबर या ISDN नंबर को हम लोग पिन पॉइंट करते हुए उनको खोज निकालेंगे और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। हमारी आज की तारीख में सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, इसलिए जो भी माहौल, जो भी प्रचार हो वो चुनाव आयोग के दी हुई दिशा निर्देशों के तहत हो। चुनाव आयोग की दिशा निर्देश को उल्लंघन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, पुलिस फोर्स की हम व्यापक व्यवस्था करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हम अन्य जनपदों से भी पुलिस फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। PSA की कंपनियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि फोर्स का अभाव किसी भी पोलिंग बूथ या पुलिस स्टेशन पर न रहे। इसके अतिरिक्त चूँकि कोरोना के केसेस भी थोड़े से मामलों में तेजी आई है, उसमें वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइंस को इंश्योर कराना भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी जिम्मेदारी है। गुंडा एक्ट में भी आपने बोला कि कमी है, तो किस स्तर पर कमी पाई गई है? गुंडा एक्ट के तहत जो भी मामले चालानी रिपोर्टें गई हैं उस पर दैनिक आधार पर सुनवाई करते हुए जिला बदर कराने की आवश्यकता।